नेक्स्ट करेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1. हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड. ये मैंने यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट लिखा है. इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं कि इजिली अंडरस्टैंड. सो क्या है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which sum of angle is less than two right angles. इसको अगर मुझे easily लिखना हो, पहले मैं एक diagram से समझाती हूँ कि अगर मेरे पास two lines है, ठीक है, और एक line उन्हें intersect कर रही है. When two lines are cut by a third line such that angles on one side, interior angles on the one side are, उनका जो सम है लेस देन 180 है. अगर मैं इन सम्स को देखूं, इनका जो सम है लेस देन 180 है, क्लियर. तो अगर मैं इन लाइंस को प्रोड्यूस करूं तो ये वहीं पे आगे जाके मीट करेंगी. तो अगर मैंने इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, इफ टू लाइंस आर कट बाय थर्ड लाइन सच दैट sum of interior angles on the same side such that sum of interior angle is such that sum of interior angle is less than 180 then the two lines will meet on the same side. जिस साइड पे इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा उसी साइड पे अगर मैं इन लाइन्स को इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करूं तो ये लाइन उसी साइड पे जाके मीट करेगी, क्लियर. तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, टू लाइन्स आर कट बाय द थर्ड लाइन such that sum of interior angle is less than 180, then the two lines will meet on the same side. अगर हम उसे same side when produced indefinitely, अगर हमने उसे produce किया और बढ़ाया तो उसी side पे जाके meet करेंगे. Clear? Question number one. Now second पे चलते हैं. Second में हमें क्या कहा है? Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. यहां तक क्लियर. अब अगर मैं इसी में केस में देखूं, अगर मैंने यही डायग्राम ड्रॉ किया है और मैं एंगल्स को नाम दे देती हूं, यहां पे मेरे पास है एंगल ए, दिस इज एंगल बी, ये वाला एंगल को मान लिया सी और ये मान लिया डी. सो बाय यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट एंगल ए प्लस बी लेस देन 180 है, तो एंगल सी प्लस डी वो ग्रेटर देन 180 होगा ऑब्वियसली, पूरा जो है 360. तो अगर ये और ये लेस देन 180 है तो ये ग्रेटर देन 180 होंगे इनका सम, क्योंकि जो पूरा लीनियर पेयर बनेगा 180 सम. अगर इन दोनों का सम लेस है तो ऑब्वियसली उन दोनों का जो सम है ग्रेटर देन 180 होगा. अगर ऐसा है तो इट मींस ए बी मेरे कौन सी साइड पे है, राइट पे. द लाइंस विल मीट ऑन द राइट साइड, द लाइंस विल मीट ऑन द राइट साइड, मीट ऑन द राइट साइड. अब अगर मैं पैरेलल लाइंस लेती हूँ, मान लिया मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं एम और एन, यहाँ पे मैंने एंगल ले लिया पी क्यू और यहाँ पे एंगल ले लिया आर एस. अगर पैरेलल लाइंस है तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू 180 है इक्वल, एंगल आर प्लस एंगल एस भी 180 है. इट मीन्स अगर ये दोनों 180 है तो ये लाइन्स को अगर मैं कितना भी इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करूं कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जहां पे ये मीट करेगी. देयरफॉर बोथ लाइन्स विल नेवर मीट ऑन लेफ्ट और राइट साइड, देयरफॉर दीज लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर These lines are parallel lines. Clear? First में क्या कहा था कि हम postulate को कैसे इसलिए लिख सकते हैं कि अगर दो straight line है, दो lines है, अगर एक line उनको intersect कर रही है तो sum of interior angle एक side पे less than 180 है,
जिस साइड पे एंगल का सम इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 होगा उसी साइड पे लाइंस आगे मीट करेंगी। तो सेकंड में पूछा था डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, कि पैरेलल लाइंस को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि एंगल ए प्लस बी अगर इसमें लेस देन 180 है तो ऑब्वियसली सी प्लस डी ग्रेटर देन 180 है। इट मीन्स ये दोनों लाइंस मिलेंगी राइट साइड पे। अगर लाइंस पैरेलल है इन दोनों का सम भी 180 इंटरसेक्ट कर रही है लाइन राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये भी 90 है ये भी 90 है 90 प्लस 90 180 दोनों केसेस में चाहे वो P प्लस क्यू है चाहे वो R प्लस S है। सो बोथ लाइन विल नेवर मीट ऑन लेफ्ट और राइट साइड। इट मीन्स ये दोनों लाइन्स क्या होंगी पैरेलल लाइन।